कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को निधन हो गया। पुनीत 46 साल के थे। शुक्रवार को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह जिम में कसरत के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया था कि पुनीत की हालत क्रिटिकल है, लेकिन हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ही अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने अपने बयान में ये भी बताया कि अस्पताल में भर्ती होने के समय पुनीत राजकुमार के शरीर में कोई हलचल नहीं थी, वो कार्डियक असिस्टॉल में थे और डॉक्टरों ने तुरंत ही उन्हें रिवाइव करने की भी कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। वहीं पुनीत राजकुमार के निधन की खबर सुनते ही अस्पताल के बाहर सैकड़ों फैंस का हुजूम इकट्ठा हो गया, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त इंतजाम करना पड़ा। राज्य भर से उनके फैंस का अस्पताल के बाहर और उनके घर के बाहर पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसे देखते हुए बेंगलुरु में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। आपको बता दें, पुनीत राजकुमार सिर्फ 46 साल के थे। उन्होंने साउथ की कई हिट फिल्में दी हैं। कन्नड़ सिनेमा में सुपरस्टार का रुतबा रखने वाले पुनीत अपने फैंस के बीच अप्पू नाम से मशहूर थे। कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता राजकुमार के बेटे थे। यही वजह है कि पुनीत राजकुमार के लिए फिल्मी दुनिया नई नहीं थी और वो बचपन से ही फिल्मों के ही माहौल को देखते आए थे। उन्होंने 29 कन्नड़ फिल्मों में लीड रोल के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर के साथ की थी और उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का भी अवार्ड मिला था। आपको बता दें, साल 1985 में फिल्म बिटाढ़ा होवू में वो नजर आए थे। इस रोल के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले थे। इसके साथ ही इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पुनीत राजकुमार आखिरी बार फिल्म सुवर्थना में देखे गए थे, जहां दर्शकों ने इनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया था। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही।